अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली रजा। और आपका नाम? मोहम्मद अली रजा। और आज हम करने लगे हैं अनबॉक्सिंग ऑफ क्या नाम? मैकबुक एयर। मैकबुक एयर करने लगे तो बेसिकली हमने लिया किससे है? लिया है हमने shophive.com वालों से लिया है। और shophive से लिया है और ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मगर जाके हमने लिया है उनकी ब्रांच से। और इस तरह से हमने डिलीवरी के भी पैसे बचाए, बट बेसिकली उन्होंने डिलीवरी करनी थी लेट और मैं नहीं चाहता था कि वो ऑफिस को डिलीवरी करें लेट, तो हमने कहा खुद ही जाकर पकड़ लेते हैं जिससे हम अनबॉक्सिंग करेंगे। अच्छा जी, प्राइस इसकी बता देता हूँ कि प्राइस है इसकी 1,77,000 रुपीज़ और हमारा बिल है 1,77,300 रुपीज़ का, जिसमें से 200 COD के, 200 डिलीवरी के, 100 COD की इनके कैश ऑन डिलीवरी के पैसे। अलबत्ता हमने जाके ले ली तो हमारे 300 रुपये बचे गए। अलफता की बात ही करें, अलबत्ता की बात कर रहे हैं। अलफता तो स्टोर है, स्टोर को अलफता आप जाते हैं। अच्छा, आपको एक और मजेदार बात बताता चलूं मैं, और वो ये है कि ये मेरा 1, 2, 3, 4 मैकबुक है। मुझे किसी अजीम आदमी ने कहा था कि एक साथ जिस इंसान ने मैकबुक ले लिया तो वो फिर मैकबुक का ही होके रह जाता है, और ऐसा ही हुआ अभी तक कि मैकबुक 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 चल रहा है। और मैंने पापा को कहा भी था सैमसंग ले ले, इसको वो क्या कहते हैं उसको मैकबुक प्रो को ले ले सैमसंग का, और पापा कह रहे थे ये वाली जो मोबाइल से जो चीज होती है ना वो मैकबुक से ही होती है। नहीं, मेरा जो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बेसिकली आईफोन यूज करता हूँ। आईफोन के जो कुछ सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन है मेरी मैकबुक ऐसे वाला आईफोन होने के लिए वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे हैं, और इसी वजह से मैं मैकबुक रिकमेंड करता हूँ कि उसके साथ वो एक वही चीज सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। सो व्हाट इंटरेस्टिंग अबाउट दिस, ये है मशीन जो है 13 इंच स्क्रीन, 13.3 इंच है स्क्रीन इसकी, और साथ M1 टेक्नोलॉजी है जो कि इंटेल की बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और जिसने लैपटॉप को बड़ी ज़्यादा स्पीड बेहतर कर दी है। और चूंकि मेरे कज़न ने लिया है और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसको देखने के बाद, यार आई एम कन्विंस कि हाँ जी दिस इज़ वर्थ एन अपग्रेड, तो फिर मैंने सोचा कि हम अपग्रेड कर लें। हालांकि मैं अभी एग्जिस्टिंगली मैकबुक प्रो यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने काफ़ी चलाया है मैकबुक एयर भी ट्राई कर रहे थे, मैंने एयर ही ट्राई किया, सिंपल मैकबुक ट्राई किया, मैकबुक प्रो प्रो ट्राई किया है। आप कुछ कह रहे थे? ये लॉन्च हुए टाइम हो गया हुआ है, और ये है 8GB रैम है, 256GB SSD ड्राइवर, सॉलिड स्टेट ड्राइवर। और SSD के सर क्या स्पीड की बात हो कि जो एडिक्शन है फिर वो एडिक्शन है, फिर एक दफ़ा हो जाए तो वो हो जाए। सो करते हैं इसको शुरू और इसको करेंगे अयान साहब। चले जी, कैसे यहाँ से शुरू करें? अपना ओके करो। ये वैसे दिस इज नॉट इनएक्टिवेटेड है, ये इनएक्टिवेटेड है तो खोलो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है ड्राइंग करने वाले। तो अभी आप भी उसमें पढ़ो, आपको भी आती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अब एक चीज बताओ, जैसे याद है आपको कि आपका आईफोन गिरा था, ये उतार दो। नहीं 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 नहीं, ये हमें रोज बोल में दे रही है क्या? चलो अभी उतारना नहीं है, अभी चूंकि हम इसके प्रोटेक्टर लगाएंगे ना, उनको दिखा भी देना ऐसे। पहले भी किया याद है जब हमने आईफोन 12 पे किया था तो वो गिर गया था, इस वजह से मेरे फिंगर पकड़ी हुई है। ठीक है, और ये हम इसको ऐसे रखते हैं और अंदर देखते हैं साथ को लगा तो नहीं आपको रख रही होते हैं, क्योंकि उनको मिलकर दिखा भी दो नहीं। ये जैसे ऐसा बिल्कुल स्मूथ जैसे कि मेरा पहले वाला मैकबुक था वैसा ही है साइज में, तकरीबन 19 का फर्क होता हुआ है। और अयान भी आपको अपना आईफोन साथ साथ दिखा रहे हैं, दिखा नहीं रहा हूं मैं बस। और साथ ये इसका है, इसमें इसका डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। हाँ डॉक्टर है, चार्जर जो होता है ना सर डॉक्टर कहते हैं। और साथ ये इसकी वायर है, ठीक है। और इसमें क्या है बोला, इसमें इन्होंने लिखा है कि 1965 की जंग के बाद क्या हुआ था। अच्छा, मैकबुक एयर के बारे में है। अच्छा वैसे इसका अंदर जो है ना फेस टाइम का HD कैमरा है 720p का, वैसे थोड़ा सा चाहिए कि वे मैकबुक को अल्लाह का खौफ करे और कोई अपना HD कैमरे को थोड़ा सा रिजल्ट बेहतर करें, हमें वेबकैम के साथ वीडियो बनानी होती है,
तो दो थंडरबोल्ट है, यूएसबी 4 वाली, दो राइट साइड पे है, दो लेफ्ट साइड वाली है, वो आपको दिखा भी देते हैं थंडरबोल्ट वाली। तो उसके बाद हम इसको खोल के भी दिखाएंगे इनको। ये चार्जर भी इन्होंने यहाँ पे रख दिया है अडॉप्टर, और ये है इसकी वायर है। अभी बाद में खोलेंगे, ऐसी नई चीज मतलब पुरानी चीजें पुरानी मेरे पास पड़ी हुई, वो यूज कर लेते हैं क्योंकि वो हमें जब लगाया गया तो वो गिर गया। अच्छा ये डॉक्टर है, वो दिखा देते पहले कि थंडरबोल्ट जो है ना दो ही साइड में है, ठीक है जी, 1 2 और दो और कहीं भी नहीं है, सिर्फ टोटल दो ही है, चार नहीं है। तो ये दो ही है और इस साइड में जो है वो है 3.5 mm का प्लग है फॉर ऑडियो। अब खोले इसको दोबारा से, बिस्मिल्लाह। ये रहा पापा का लैपटॉप, देखो कैसा है ये, और यहाँ से पीछे का आईडिया ऐसा है, ये देखो। तो ओपन करो, मुश्किल हो गया, मेरे नेल कट हो गए ना। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरे पास जो अभी है उसमें ना टच बार है, ये टच बार के बगैर है, बट इट्स ओके, कोई गल नहीं, टच बार की बहुत ज़्यादा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर स्क्रीन पे टच होता तो क्या ही बात थी, अलबत्ता आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि स्क्रीन पे प्रोटेक्टर देंगे मगर उन्होंने कोई प्रोटेक्टर नहीं दिया, तो अभी हमें स्क्रीन पे प्रोटेक्टर भी लगाना है। पापा को ये आराम थोड़ा सा छोटा पासवर्ड दे देंगे ताकि यहाँ यूज कर सके। नहीं उसने हमारी इंग्लिश पाकिस्तान प्रेफर्ड लैंग्वेज उर्दू देखी है, साथ उन्होंने इनपुट हमारा उर्दू और एबीसी कर दिया है बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश। एबीसी की है या एबीसी उसके लिए आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बट मैंने ये नहीं किया। और हम इंटरनेट लगा दे हैं, अच्छा जो की पैड है ना इसका, वो एज कम्पेयर टू जो पुराना मॉडल था उससे बहुत बेहतर, क्योंकि उसमें भी कीज दबे दबे हुए थे तो बहुत मुश्किल था। तो साथ साथ वो कह रहे हैं डाटा पैकेज ले लो भाई, डाटा ले लो, ले लो, ले लो। अच्छा जी वो कह रहे हैं माइग्रेशन हम करना चाहते हैं, माइग्रेशन मैकबुक से ही करना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि योर मैक इज रनिंग ऑन बैटरी पावर, इट इज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड दैट यू कैन लिखे मैक। दोबारा करते हैं, जो स्क्रीन है स्क्रीन बहुत अच्छी है, पहले वाले से तो है बहुत बेहतर है, बट पापा का पहले है मैकबुक प्रो, अब ये मैकबुक का, और जो एयर मैकबुक प्रो से भी ज्यादा पीछे है ना वो, उसका नाम खाली मैकबुक है, वो भी लिया था हमने, मैंने मॉडल वो भी लिया था। और आपको पता है हमारे मेरे जो रूम है ना उसमें आया था गंदे गंदे गंदा पानी, और वहाँ पे लैपटॉप पड़ा हुआ था, वही पापा का मैकबुक, तो फिर उसकी वजह से उसकी स्क्रीन थोड़ी सी वो पूरी खराब हो गई है, कुछ ठीक भी नहीं हो रही है। देखा आप लोगों ने, पूरा मैकबुक खराब हो गया मेरा, है कोई मेरा ध्यान नहीं करता, ये कहाँ पे मेरे मैकबुक को पैसे लगे सारे। वो आया था 1,80,000 का, और वो सारा से सारा मैकबुक खराब हो गया इस वजह से, और ये 1,77,000। अब इसमें ये भी करेंसी भी डीवैल्यू हो रही है हमारी, इसका भी फर्क है। फिर स्क्रीन पे ना लगाओ, स्क्रीन पे स्क्रैचेस ना पड़ जाए,
और मैं भी फिलहाल इसको करूंगा ही, हाइबरनेट में मोड में वापस लेके जाऊंगा। मैं चाहता ही हूँ कि पहले इसको जो है ना एक दफ़ा लेमिनेशन हो जाए, स्क्रीन पर प्रोटेक्टर लग जाए, वरना जब वो यूज़ करने जाते हैं तो फिर हम बड़ा हैवी यूज़ करते हैं, तो उससे प्रैक्टिस कर पड़ जाए। तो इस तरह से वो करेंगे, फिर हम उसके बाद बाकी कंटिन्यू करेंगे। सो आप सबसे देखने का शुक्रिया। एक और मज़ेदार बात है कि मैकबुक एयर की बैटरी 18 आवर्स, हालांकि आमतौर पर एयर की बैटरी ज़्यादा अच्छी होती थी, बट प्रो जो है उसकी 21 आवर्स बैटरी थी। तो मैंने अभी तक ना एयर ट्राई नहीं किया हुआ था, तो मैंने कहा कि जो है एयर को भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने इसके डिफरेंसेज वगैरह भी देखे थे, तो वो माइनर डिफरेंसेज लगे थे, तो फिर मैंने कहा तो कोई बात नहीं। और वैसे भी प्रो के अंदर M1X की नहीं लाना पा रही नवंबर में, मैंने कहा वाई वेट कर लें, मुझे कुछ चाहिए था तो ज़रूरत होती, तो फिर ज़रूरत तो वैसे ही जाती माँ है, किसी को जरूरत जरूरत की माँ है। बहरहाल हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसका क्या करना है दूसरे वाले माइक का। और आप सबका वीडियो देखने का शुक्रिया, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।